गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड सुजा जी, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू हियरिंग माय वॉइस बेटा? हेलो मैम। हेलो बेटा। यस मैम। हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। ओके बेटा, वेरी गुड। राज सिंह, जयश्री, अदम्या, यस मैम, नाद्या, एंड हु इज? यस मैम। ओके बेटा, आर यू हियरिंग माय वॉइस? माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम। ओके देन, टुडे वी विल मैथ मैजिक, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर 4, लॉन्ग एंड शॉर्ट। चैप्टर 4 बेटा, लॉन्ग एंड शॉर्ट, पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर 46, पेज नंबर 46। नाउ वी विल सी इट फ्रॉम बिगनिंग, स्टार्टिंग से फिर हम इसको देखते हैं आज। ओके मैम, को म्यूट कर दीजिए। यस बेटा, आई एम गोइंग टू म्यूट यू। यस, अब म्यूट कर रहे हैं हम आपको। ओके मैम, प्लीज अनम्यूट ऑफ। Yes, yes, I'm going to mute you. Hello, students. Are you hearing my voice? Bida, are you hearing my voice? Raise your hand. Show me your hand. Show me your hand. Okay, okay. Then, now we will see the chapter 4, long and short, from beginning today. Okay, आज हम फिर से इसको starting से देखते हैं. You all will open your book, page number 46, Math Magic, page number 46. Here you can see our story. Now I'm going to start it. Lali is selling things at her father's shop. एक लाली, एक बच्ची है जिसका नेम है लाली, और वो अपने फादर की शॉप में चीजें बेच रही है। अ फार्मर कम्स टू बाय रॉक, और वहाँ एक फार्मर, फार्मर मींस किसान, फार्मर आता है और वो रॉक मींस रस्सी, रॉक मींस रस्सी, रस्सी खरीदने के लिए आता है। वो कहता है सीधा, सर्किल, इन सर्किल देयर आर सम सेंटेंसेस, कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रॉक। वो कहता है क्या आप मुझे 7 आर्म्स, 7 आर्म्स मींस बेटा उसे हमने बताया था, 1 आर्म्स मींस यहाँ शोल्डर से लेते हैं हम, यहाँ से शोल्डर से, और ये मिडिल फिंगर का जो टॉप होता है यहाँ, यहाँ तक हम मेजर करते हैं। ओके तो वो 1 आर्म होता है। ओके तो वो फार्मर कहता है कि मुझे 7 आर्म्स रस्सी चाहिए। हियर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रॉप। तो जो लाली होती है वो अपने आर्म से मेजर करके उसको 7 आर्म्स रॉप दे देती है। तो अब मैन क्या कहता है फार्मर, बट दिस इज ओनली 6 आर्म्स लॉन्ग। वो कहता है लेकिन ये तो सिर्फ 6 आर्म लॉन्ग है। तो लाली क्या कहती है, व्हाई डोंट यू मेजर योर आर्म विद दिस रॉप एंड टेक 7 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ। तो वो कहती है कि तो फिर आप ही क्यों नहीं ले लेते हैं अपनी आर्म से मेजर करके 7 आर्म रॉक। तो क्या होते बेटा, नाउ यू कैन सी द मैन इज मेजरिंग विद हिज आर्म, अपने आर्म से मैन जो है वो मेजर कर रहा है रॉक को। तो आई एम गोइंग टू शो यू अ रॉक, आई हैव अ प्लास्टिक रॉक, सपोज ये एक रॉक है बेटा, ये एक रॉक है। ओके नाउ आई एम गोइंग टू मेजरिंग इट विद माय आर्म, मैं अपने आर्म से इसको मेजर करती हूँ। यू कैन
do this activity at your home. Okay, आप अपने आर्म से मेजर करके इस एक्टिविटी को अपने घर पे करोगे. ओके, सपोज दिस इज एन रॉप. सपोज दिस इज एन रॉप, ये प्लास्टिक की रॉप है बेटा. ओके, और हमने इसको ऐसे मिडिल फिंगर में इसको यहाँ पे एक नॉट नॉट बना लिया, यहाँ पे गांठ डाल दी है हमने. ओके, ताकि हमको समझ में आएगा कि यहाँ से स्टार्टिंग है इसका. यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अपने मिडिल फिंगर से टॉप ऑफ द मिडिल फिंगर ऐसे हमने इसको प्रेस कर दिया, दबा दिया. और फिर हमने यहाँ अपने शोल्डर तक जहां से हमारा ये आर्म स्टार्ट हो रही है, शोल्डर तक हमने इसको मेजर किया. ओके, तो इस तरीके से कितना हो गया बेटा, वन आर्म. कितना हो गया ये, वन आर्म. तो वो जो फार्मर है वो आया है तो कितनी रॉप खरीद रहा है, वो कह रहा है 7 arms रॉप. तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से 7 times इसको मेजर करेंगे. देखो 1, फिर ये हो गया 2, देन 3, 4, 5, 6 एंड देन इट इज 7. ओके, तो वो इतनी लॉन्ग रस्सी को लेता है, अपनी 7 arms रॉप को वो बाय करता है. तो इसी तरीके से आप भी अपने घर पर कोई भी रॉप होगी तो उससे आप अपने शोल्डर से लेके और मिडिल फिंगर के टॉप तक आप मेजर करोगे तो उससे आपका 1 arm हो जाएगा. फिर वन आर्म लेंथ लेने के बाद उसको आप 7 times उसको उतना उतना मेजर करना. ओके, 7 times मेजर करोगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि उसने कितनी रस्सी बाय की होगी. ओके, नाउ सी, अब आगे देखते हैं बेटा. सो द फार्मर मेजर्स हिज आर्म विद द रॉप एंड लाली गिव्स हिम 7 times दैट मच रॉप. तब उस किसान ने क्या किया, अपनी आर्म से रस्सी को 7 times मेजर किया और उसको क्या किया, लाली ने उतना मेजर करके रस्सी को दिया. मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज द डिफरेंस. अब आप क्या करोगे बेटा, आप घर पे कोई रॉप ले लेना, ठीक है, मोटी रॉप नहीं होगी, पतली रॉप होगी, कैसी भी होगी, तो उससे आप पहले अपनी आर्म को मेजर करना. ओके, देन अपनी मम्मा की आर्म को मेजर करना, अपने फादर के भी आर्म को आप मेजर कर सकते हैं. तो इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितनी कितनी आपकी आपकी मम्मा की आपके पापा की आर्म जो है आपसे लॉन्ग है, ठीक है, उससे लेंथ का पता चल जाएगा. ओके, और फिर उसको क्या कर सकते हैं आप, उसको रॉप से मेजर करने के बाद उसको सेंटीमीटर पे भी, जो इंची टेप होता है उससे भी मेजर कर सकते हो आप. तो उससे आपको लेंथ की लंबाई, आपकी जो पापा या मम्मी या आपकी जो आर्म की लंबाई है वो पता चल जाएगा कि कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है. ओके, इज दैट क्लियर टू यू, इज दैट क्लियर टू यू. ओके, जयश्री, जयश्री, वेयर आर यू, शो मी योर फेस. राज सिंह, शो मी योर फेस. राज सिंह, फैज, फैज, आदर्श चौहान, बेटा शो मी योर फेस. अनन्या तिवारी, शो मी योर फेस. पे योर अटेंशन बेटा ऑन योर टॉपिक. नाउ सी द नेक्स्ट पेज 47. Now see the next page 47. Come on the 47 page. How many? How many means कितने? कितने? इसमें अब हम देखेंगे. Here you can see in the picture. अब इस picture को देखिए आप. In how many steps will Dorji cross the road? अब इसमें बताया गया बेटा कि Dorji, Dorji is the name of this boy. इसमें जो ये boy दिख रहा है उसका name है Dorji. और वो रोड को क्रॉस कर रहा है. तो इसमें पूछा गया है इन हाउ मेनी स्टेप्स ही विल क्रॉस द रोड, कि वो कितनी स्टेप्स में इस रोड को क्रॉस कर लेगा. ओके, तो यू कैन मेजर इट बाय दिस स्केल बेटा. सी दिस स्केल, यू हैव आल्सो सच टाइप ऑफ स्केल. आपके पास भी इस तरीके का स्केल होगा, है ना, आपके पास इस तरीके का स्केल है. और दिस इज लॉन्ग स्केल, और ये लंबा वाला स्केल है और ये छोटा वाला स्केल है. ओके, तो जो छोटा वाला स्केल होता है बेटा,
पहले मैं आपको स्केल का मेजरमेंट बता देती हूँ, ओके। देखिए ये जो छोटा स्केल होता है इसमें जनरली 15 सेंटीमीटर तक होता है ये, ओके। ये 15 सेंटीमीटर तक होता है, ओके। और इसमें क्या होता है, आप देखोगे ये जीरो से स्टार्ट होता है बेटा, और इसकी जो ये जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होती है। किसमें होती है बेटा? सेंटीमीटर में होती है, सीएम। सेंटीमीटर को हम शॉर्ट में लिखते हैं सीएम, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसको सो किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो आपका जीरो से स्टार्ट होता है, और ये मैं दिखा दे रही हूँ अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे, तो हो सकता है आपको ये थोड़ा ज्यादा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि चौक मोटी है। आप इसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके देख सकते हैं, ओके। इस तरीके से बेटा 15 सेंटीमीटर की लंबाई होती है एक स्केल की, छोटे स्केल की, ओके। और इसमें ये देखो इस तरीके से 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, ओके। 1-1 सेंटीमीटर का इसमें ये कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स होते हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 तक होते हैं, ओके। तो इनके बीच में बेटा सी और स्केल, अपने स्केल को देखिए आप, इसको देखिए आप ध्यान से। इसके बीच में आपको 0 से 1 तक के बीच में आपको 10 छोटी छोटी 9 छोटी छोटी लाइंस दिख रही होगी, ओके। कैसी लाइंस है बेटा? इस मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर का गैप है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। आई टेक इक्वल डिस्टेंस बिटवीन दिस कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स, दीज आर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स, और इनके बीच में जो गैप होता है वो बेटा इक्वल डिस्टेंस होता है, और ये सेंटीमीटर बोला जाता है। और इसके बीच में जो बेटा जैसे 0 से 1 या 1 से 2 इसके बीच में देखिए कितनी लाइंस होती है, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज 10। तो इसके बीच में बेटा 9 लाइंस होती है, ओके। और जो 5th नंबर वाली लाइन होती है वो कुछ लंबी होती है, तो यहां से यहां तक हाफ दिखाते हैं, ओके। तो ये कितना होता है, 0.5 होता है, ओके, सॉरी, यस 0.5। तो इसके बीच में जो लाइंस होती है वो 9 होती है, और जब यहाँ पे आते हैं तो 10 वाले नंबर पे आने के बाद हमारा 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है। तो जो ये छोटी छोटी लाइंस होती है इसको बोलते हैं बेटा मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर, ओके। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। जो मिलीमीटर होता है बेटा उसको हम एमएम करके शो करते हैं शॉर्ट में, और जो सेंटीमीटर होता है उसको हम सीएम करके शो करते हैं, ओके। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। आप अपने स्केल पे भी वॉच कर सकते हो, स्केल को देखो, उसमें देखो 0 से 1 के बीच में कुछ छोटी छोटी लाइंस दी हुई हैं, उसको यू कैन काउंट देम, और उसको काउंट करिए आप, वो देखिए कितनी लाइंस है, 9, इट शुड बी 9 होनी चाहिए, तो और 1 नंबर पे आके 10 हो जाती हैं। तो यानी कितना डिफरेंस होता है, 10 का डिफरेंस होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ओके। इज दैट क्लियर टू यू? हाउ मेनी मिलीमीटर इन 1 सेंटीमीटर बेटा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ओके। Is that clear to you? Raise your hand. Is that clear to you? Show me your hand. My voice is not going. Hello, Raj Singh, Adamya. Show me your hand. My voice is going. Yes. Is that clear to you? 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Okay. 1 सेंटीमीटर में ये 10 मिलीमीटर होते हैं, ओके? तो अब आप देखिए, अब ये दोरजी वाला जो टॉपिक है, तो इस पे क्या करोगे, आप अपने स्केल से इसको मेजर करोगे, इसके स्टेप्स को, ओके? ये कितने में आ रहा है बेटा, 1 सेंटीमीटर में इसकी 2 स्टेप्स कंप्लीट हो रही है। तो इसी तरीके से आगे आप क्या कर दोगे, इस पे एरो बना दोगे, ओके? एरो बना करके सपोज
सी आप क्या करना बेटा, यू कैन मेजर द स्टेप्स ऑफ दोरजी, और 1 सेंटीमीटर में हो रहा है ये, और इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर में हो रहा है, तो आगे आप 1 सेंटीमीटर पे इसका गैप यहाँ कवर कर लेना, डॉट कर लेना. ओके, आई एम गोइंग टू डॉट इट, इसको डॉट करके हम दिखा दे रहे हैं आपको. देखिए आप इस तरीके से मेजर करना अपने स्केल से और देखना कितना गैप हो रहा है, और उसमें फिर इसके स्टेप्स को ड्रॉ कर देना. ओके, तो मैंने आपको उस दिन ड्रॉ करके बताया था कि दोरजी कितने स्टेप्स में उसको कवर करता है. तो ही विल क्रॉस द रोड इन 8 स्टेप्स. कितने स्टेप्स में कवर करेगा बेटा? 8 स्टेप्स में. सो यू विल राइट हियर अंडर द, इस रोड के नीचे लिख लीजिए 8 स्टेप्स. ओके, ही विल क्रॉस द रोड इन 8 स्टेप्स. नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर, यू कैन सी हियर अ टेबल, एक टेबल दिया हुआ है. ओके, तो आप उस टेबल पे देखिए क्या करना है बेटा. सपोज दिस इज अ टेबल, ये क्या है बेटा, लेंथ है. व्हाट इज इट? LENGTH, लेंथ, जो टेबल की लंबाई होती है. लंबाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं. ओके, इस तरीके से सपोज एक टेबल है. ओके, और ये क्या होगी? टेबल की लेंथ होगी. एंड दिस इज ब्रेथ, BREADTH. ओके, दिस इज ब्रेथ. ब्रेथ यानी चौड़ाई, दिस इज लंबाई. लेंथ में लंबाई, ओके, और ब्रेथ में चौड़ाई. नाउ लुक हियर, हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस इन अ लाइन ऑन दिस टेबल. इस टेबल की लाइन पे कितने कप्स रखे हुए हैं, और सॉरी कितने कप्स यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं, कैन बी प्लेस रखे जा सकते हैं. ओके, इन अ लाइन ऑन दिस टेबल. तो यू विल मेजर इट. आप क्या करोगे, फिर अपनी स्केल को लोगे और जो बाउल है उसको आप मेजर करोगे. ओके, कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है. ओके, जो बाउल का जो ये मेन पार्ट है बेटा, जो ऊपर जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको मेजर करोगे आप कि वो कितने सेंटीमीटर में आ रहा है, और फिर यहाँ पे उसका डिस्टेंस मेंशन करोगे और फिर उसको ड्रॉ कर दोगे. ओके, आई थिंक देयर कैन बी 4 बाउल्स मोर. ओके, और कितने बाउल्स यहाँ सेट हो सकते हैं? 4 मोर बाउल्स कैन बी फिट हियर. ओके, तो टोटल कितने बाउल्स हो जाएंगे? 7 बाउल्स. टोटल कितने बाउल्स हो जाएंगे? 7 बाउल्स. यू विल ड्रॉ ऑन दिस लाइन बेटा, आप इस लाइन पे ड्रॉ करना. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच. अब यहाँ एक ट्री दिया हुआ है और उसकी ब्रांच के साथ क्या दिया हुआ है? कुछ पॉट्स रखे हुए हैं. अब आप उस पॉट्स को मेजर करोगे अपने स्केल से, इस पॉट को ऐसे मेजर करोगे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पॉट. ओके, और फिर उसी तरीके से उस डिस्टेंस को ऊपर लेते हुए आप लाइन ड्रॉ कर लोगे और फिर उसमें पॉट को ड्रॉ करोगे और फिर चेक करोगे कि कितने पॉट वहां फिट हो सकते हैं. ओके, सो यू विल ड्रॉ हियर सम मोर पॉट्स आफ्टर टेकिंग द डिस्टेंस. ओके, आप फर्स्ट यू मेजर द फर्स्ट पॉट और उसके बाद उतना उतना डिस्टेंस लेके आप पहले डॉट करेंगे पेंसिल से, अपने स्केल से मेजर करेंगे, फिर डॉट करेंगे पेंसिल से, और यू विल ड्रॉ द पॉट देन आफ्टर. ओके, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर आप टॉप तक जाने के लिए पॉट को ड्रॉ करोगे. तो हियर कैन बी, यू कैन ड्रॉ 3 मोर पॉट हियर. ओके, आप यहाँ पे 3 और पॉट्स बनाओगे तो यू कैन रीच द ट्री ब्रांच, आप ट्री ब्रांच तक पहुंच सकोगे. ओके, सो यू विल ड्रॉ हियर 3 मोर पॉट्स. तो टोटल पॉट्स आपके कितने हो जाएंगे बेटा? 5 पॉट्स. कितने पॉट्स हो जाएंगे? 5. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, हाउ मेनी शर्ट कैन बी हंग ऑन दिस वायर.
यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में एक वायर है, ओके, और उस पे एक शर्ट टंगी हुई है। तो आप क्या करोगे, अब आप इस शर्ट की जो ये वाली लेंथ है, जो ऊपर वाली लेंथ है, ओके, यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना और देखो ये कितना आ रहा है इसका लेंथ, इसका लेंथ आ रहा है बेटा 3 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 3 सेंटीमीटर। तो आप इस वायर पर 3-3 सेंटीमीटर के गैप्स को लेते हुए पहले पेंसिल से गैप उतना डिस्टेंस ड्रॉ कर देना और फिर उसके बाद आप इस तरीके की शर्ट उसमें ड्रॉ कर लेना, फिर आप देखना कितने शर्ट्स वहां फिट हो रहे हैं। ओके, आई थिंक हियर 2 more shirts कैन बी फिट हियर। ऐसी 2 और शर्ट्स आपकी बन जाएंगी तो टोटल कितनी शर्ट्स हो जाएंगी आपकी? 3 shirts। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 48, टर्न योर पेज, सी द नेक्स्ट पेज 48। हाउ मच इज अ सेंटीमीटर? तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर को सीएम में लिखा गया है बेटा, सेंटीमीटर की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको हम सीएम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ एक लीजर्ड ड्रॉ की गई है, इस लीजर्ड को इसके नीचे जो स्केल का मेजरमेंट दिया गया है, लाइंस दी गई हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ 0 से स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओके, 13 सेंटीमीटर तक का ये स्केल इसमें शो किया गया है। तो आपको इसके नीचे नंबर्स लिखने हैं, फर्स्ट यू विल राइट द नंबर फ्रॉम 0 to 13, ओके, ये जो सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ है इसके नीचे आप नंबर्स लिख लो, ओके, फिर आप देखो कि लिजार्ड कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 point से स्टार्ट हुई है और उसका टेल कहाँ पे फिनिश हुआ है बेटा, 13 नंबर पे, मीन 13 सेंटीमीटर पे। तो द लेंथ ऑफ लिजार्ड इज, लेंथ कितना है लिजार्ड का? 13 सेंटीमीटर। सो यू विल राइट हियर, यहाँ क्या दिया गया बेटा, इसके नीचे देखिए द मैच स्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, लिजार्ड है, फिर इसके नीचे क्या दिया हुआ है, एक मैच स्टिक दी हुई है, फिर उसके नीचे वाली पिक्चर्स में देखिए डाइस दिया हुआ है, एक ब्राउन कलर का वैक्स कलर दिया हुआ है और एक लीफ दिया हुआ है। ओके, तो इनकी आपको मेजरिंग करनी है इनकी लेंथ और उसके बाद उस आइटम के नीचे आपको उसका लेंथ लिखना है। ओके, तो द लिजार्ड लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। तो आप देखिए नीचे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। जो डाई होती है वो स्क्वायर शेप में होती है, तो उसका जो 4 साइड होता है, जो उसके जो वो हर साइड से क्या होती है, इक्वल होती है, क्या होती है, हर साइड से वो इक्वल होती है। नाउ सी द थर्ड पॉइंट, द लिजार्ड इज 13 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अब आप क्या करोगे बेटा, जो लिजार्ड का मेजरमेंट दिया उसमें 0 से स्टार्ट करके और उसके टेल पे जो लाइन गई है वहां तक नंबर आप लिखिए, राइट द नंबर, इट कैन बी कंप्लीटेड इन 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पूछा गया है द लिजार्ड इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, लिजार्ड कितनी लंबी है, 13 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट पॉइंट, द लीफ इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अब आप लीफ को मेजर करिए, तो लीफ को यहाँ से हम मेजर करते हैं, मान लीजिए तो हम इसको फर्स्ट वाली लाइन को मान लेते हैं कि इट इज 0, ओके, 0, देन 1, 2, 3 एंड 4, सो द लेंथ ऑफ लीफ इज 4 सेंटीमीटर। ओके, जो पत्ते की लंबाई है वो कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, द वैक्स कलर, द वैक्स कलर, नाउ सी द लीफ इज, द लीफ इज 4 सेंटीमीटर, ओके, लॉन्ग। नाउ सी द नेक्स्ट, द वैक्स कलर इज, द वैक्स कलर इज
the wax color is dash centimeter long. Okay, wax color कितना centimeter long है? तो अब आप क्या करेंगे, wax color को measure करेंगे. Okay, from the starting point, it start from zero. Zero से start हो गया. अब इसके सेंटीमीटर वाले नंबर्स को काउंट करिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ओके, 7 सेंटीमीटर पे इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो रही है. किसकी बेटा? वैक्स कलर की. सो यू विल राइट द वैक्स कलर इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लुक एट अ स्केल that you find in a geometry box. आपके geometry box में जो scale होता है उसको आप देखिए. How many centimeters does it have? उसमें कितने centimeters होते हैं? तो बेटा जो small scale होती है वो 15 centimeter तक होती है, और जो long scale होती है, suppose I have a long scale, its length is in 30 centimeter long. Okay? जो लॉन्ग स्केल होती है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और जो स्मॉल स्केल होती है उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 49. सी द नेक्स्ट पेज 49. यस बेटा, the small scale that you mostly use in school is like this one. जो small scale होता है बेटा, यहाँ देखिए draw करके बताया गया आपको book में. ये small scale आपको draw करके दिखाया गया है book में. Its length is 15 centimeter long. जो small scale होता है उसकी length 15 centimeter होती है. तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है scale. अब इस पे देखिए इन्होंने क्या पूछा है उसको देखिए. Is it easier to start measuring from the zero marks? क्या zero marks से measure start करना easy है? Yes. Look at the thing drawn near the scale and find out their length. अब आपको scale के नजदीक जो कुछ चीजें दिख रही हैं, उनकी length को measure करना है और बताना है कि उनकी length कितनी centimeter long है. Okay? So see the first point. What are the little lines on the scale used for? Okay. What are the little lines on the scale used for? जो little lines मतलब अभी जो मैंने आपको बताया था millimeter. तो यहाँ देखिए scale बना हुआ है और इसके zero से 1 centimeter के बीच में जो ये छोटी छोटी lines दिख रही हैं आपको. दिख रही है ना बेटा? Show me your hand. दिख रही है ना? हाँ, तो ये क्या बताती है बेटा? What are the little lines on the scale used for? जो little lines है scale पे वो किस लिए use किया जाता है? It used for measuring the smallest objects. जो छोटे छोटे objects होते हैं उनको measure करने के लिए हम इन जो छोटी छोटी lines है जो millimeter में है उसको use करते हैं. Okay? So look four things that are. अब आपको चीजें देखनी है about 10 centimeters long. जो आपके आस पास जो mostly आपके घर में जो चीजें होती हैं available रहती हैं जो, तो उसको देख करके आपको बताना है कि किसकी height कितनी हो सकती है. तो first देखिए about 10 centimeters long. जो 10 centimeter होता है तो 10 centimeter कितना होगा बेटा? This is 10 centimeter. कितना है बेटा ये? ये आपके स्केल के हिसाब से ये 10 सेंटीमीटर है. ओके, तो इतनी बड़ी चीजें आपके घर में क्या क्या होती हैं? टेन सेंटीमीटर की लेंथ में कौन कौन सी चीजें आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं? इट कैन बी पैन हो सकता है. ओके,
राइट इन फ्रंट ऑफ दिस नंबर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसके सामने आपको लिखने हैं. ओके राइट यू पेन पेंसिल, इनकी लेंथ इतनी हो सकती है बेटा, पेन पेंसिल मार्कर मार्कर. ओके मोबाइल फोन ऑल्सो इट्स लेंथ इज नॉट मोर देन 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर. ओके सो यू कैन राइट ऑल्सो मोबाइल फोन, मोबाइल फोन. ओके नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. और आपके आसपास कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी लेंथ 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच होती है? तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं. तो यू कैन राइट द नेम ऑफ सच आइटम, ऐसी चीजों के नेम बताइए. क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी वाटर बॉटल, आपके फ्रिज में वाटर बॉटल रखी रहती है ना बेटा. तो इट्स लेंथ कैन बी बिटवीन द 10 टू 20 सेंटीमीटर. उसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच की होती है. तो यू कैन राइट हियर वाटर बॉटल, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल होती है 10 सेंटीमीटर 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच. और क्या होती है बेटा? और आपकी बुक भी हो सकती है. आपकी जो बुक है वो 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच है इसकी लंबाई. ओके सो यू कैन राइट हियर बुक ऑल्सो, आप बुक भी लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं. और रफ नोटबुक, जो रफ नोटबुक होती है रफ नोटबुक, जिसको आप घर पे लॉन्ग वाली यूज करते हो. ओके तो यू विल राइट सम नेम्स ऑफ सच आइटम, देयर लेंथ कैन बी 10 टू 20 सेंटीमीटर. ओके तो यहाँ आपको लिखने हैं बेटा. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. और कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखिए जो लेस देन 1 सेंटीमीटर मीन्स बहुत छोटा सा. 1 सेंटीमीटर में कितना मीन्स इतना, बस इतना. इतना छोटा क्या होता है? इट कैन बी योर नेल, आपका नेल हो सकता है. हो सकता है ना बेटा, आपका नेल्स हो सकता है. इतना छोटा आपका नेल्स हो सकता है. और क्या हो सकता है? जो लूडो खेलते हैं आप, तो लूडो की जो डाइस होती है वो भी हो सकता है. ओके 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो यू राइट द नेम, लेस देन 1 सेंटीमीटर नेल डाई एंड सम सीड्स, कुछ बीज होते हैं. जैसे आप फ्रूट्स खाते हो, कोई फ्रूट्स खाते हो ना, एप्पल खाते हो, ऑरेंज खाते हो, तो उसके बीच में से जो सीड्स निकलते हैं तो उसकी भी जो लेंथ होती है बेटा वो 1 सेंटीमीटर से स्मॉल होती है. ओके सो यू विल राइट हियर सीड, सीड. ओके यू विल राइट दिस नेम इन फ्रंट ऑफ दीज लाइन्स. ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं जिनके बारे में पूछा जा रहा है, इनके सामने आपको ये नेम लिखने हैं. ओके नाउ यू कैन टॉक टू मी, अब आप मुझसे बात कर सकते हैं बेटा. योर टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, टाइम ओवर होने वाला है. सो आई वॉन्ट टॉक टू यू. हेलो स्टूडेंट मैम. यस मैम, पेज नंबर 49 पे क्या ड्रॉ कर रही हैं मैम? पेज नंबर 49 में क्या प्रेस की थी मैम? पेज नंबर 49, तो पेज नंबर 49 मैम जीरो मार्क. पेज नंबर 49 जो है बुक में मैम, पेज नंबर 49 पे क्या ड्रॉ करना है? इसको बुक में ही लिखना है बेटा मैम, इतना तो अर्थ ही नहीं पाएगा. मैम सुनो, बुक मैम. यस क्या ड्रॉ करना है मैम? आपके मैम पेज नंबर 49 पे क्या ड्रॉ कर रहा है? पेज नंबर 49 मैम, पेज नंबर 49 पे क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉ नहीं करना है मैम, सबको म्यूट कर दीजिए. मैम पेज नंबर 49 पे क्या
क्या ड्रॉ करना है? म्यूट कर दीजिए, सेंड कर दीजिएगा मैम। जो व्हाट्सएप सेंड करेगा। हेलो, माय वॉइस इज गोइंग। अभी आप म्यूट नहीं हुए, रुकिए अभी म्यूट कर रहे हैं। माय वॉइस इज गोइंग, मेरी आवाज जा रही है? यस यस मैम। नाउ लिसन टू मी मैम, पेज नंबर 49 पे क्या ड्रॉ करना है? आपको नेम सेंड कर दीजिएगा जो आपको ये पूछा गया है यहाँ पर। जो चीजें पास है मैम म्यूट कर दीजिए। Now listen to me. हेलो, अब मैंने आपको म्यूट कर दिया है। अब आप ध्यान से पहले सुन लीजिए कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके, आपको करना क्या है, ये जो नेम लिखे हैं बेटा, कुछ आइटम्स के जो नेम लिखे हैं, तो ये आपको बुक में यहाँ लिखा हुआ है, लुक फॉर थिंग्स दैट आर। आपको ये जो लुक फॉर थिंग्स दैट आर, जो आपके आस पास जो चीजें होती हैं, कॉमन चीजें होती हैं, तो उनको देख के आपको उन चीजों के नेम लिखना है कि किसकी लेंथ कितनी हो सकती है। सपोज यहाँ देखिए, जो ब्लू एरो बना हुआ है, यहाँ क्या लिखा है, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग चीजें हैं आपके आसपास, यू विल राइट द नेम ऑफ सच आइटम। ऐसी चीजों के नेम लिखना है। तो 10 सेंटीमीटर में क्या हो सकता है, एक पेन की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो सकती है, तो यू विल राइट द पेन, पेंसिल, मोबाइल फोन, देन मार्कर, स्केच कलर। ओके, 2-3 नेम्स लिखने हैं। ओके, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, देर इज नो स्पेस, सो यू विल राइट 2-3 नेम्स ओनली। ओके, जितना अट सकता है। नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग के बीच की लंबाई किसकी होती है, अब उसके नेम लिखना है। तो इट कैन बी अ वॉटर बॉटल, वॉटर बॉटल होता है, आपकी नोटबुक हो सकती है, आपकी बुक हो सकती है, आपकी रफ नोटबुक हो सकती है, तो यू विल राइट द नेम। ओके, हियर इन फ्रंट ऑफ दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया है इसके सामने ही आपको इसके आइटम्स के नेम लिखने हैं। नाउ सी द थर्ड पॉइंट, लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से जो कम होती है, 1 सेंटीमीटर से कम किसकी लंबाई हो सकती है, योर नेल, आपका जो नेल होता है, नाखून, इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। और किसकी हो सकती है बेटा, आप लूडो खेलते हैं, लूडो की जो गोटी होती है, जो डाई होती है, इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, लेस देन 1 सेंटीमीटर, सो यू राइट द नेम इट ऑल्सो। और क्या हो सकता है, जो आप फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स के बीच में से जो सीड्स निकलते हैं, उसकी भी लेंथ कितनी होती है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो आपको 2-3 आइटम्स के नेम लिखने हैं। ओके, और क्या करोगे आप, और ये जो आइटम्स ऊपर स्केल के ऊपर दिए हुए हैं, एक हुक दिया हुआ है, फिर पिन दिया हुआ है, फिर एक और ऑब्जेक्ट है, फिर क्या बेटा, फिर नेल, एक कील बनी हुई है, तो इनकी लेंथ को आप मेजर करोगे। यहाँ देखो स्केल बना हुआ है और नंबर भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इनके सामने आप लिखोगे इनकी लेंथ। ठीक है, सपोज ये हुक की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो इसके सामने लिख दोगे 1 सेंटीमीटर। फिर सीधा सेकेंड, यहाँ पिन बना हुआ है, तो पिन की लेंथ कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर, तो आप इसके सामने 2 सेंटीमीटर लिखोगे। देन सी द थर्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ जो थर्ड ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसकी लेंथ कितनी दिखाई गई है, 3 सेंटीमीटर, तो आप इसके सामने लिखोगे 3 सेंटीमीटर। फिर देखो नेल, जो एक कील बनी हुई है, उसकी लेंथ कितनी दिखाई गई है, 4 सेंटीमीटर, तो यू विल राइट इन फ्रंट ऑफ दिस नेल